आज की डेट में हम इंसान इतनी ज्यादा तरक्की कर चुके हैं कि हमारे पास चलाने के लिए कार है, इंसान ऊंची ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं, हवा में उड़ने के लिए हवाई जहाज है। बट गाइज, आपको पता ही है, इससे पहले जब इंसान इस धरती पर आए, चाहे वो बंदर में से बने हो या फिर कोई और थियरी हो, जब शुरुआत थी इंसानों की, तब ये कुछ नहीं था। और उल्टा हम लोगों के पास घर भी नहीं था, कोई शेल्टर भी नहीं था, इंसान रहते थे गुफाओं में। जी हाँ गाइस, गुफाओं जो होती है, पहाड़ को खोदकर उसमें गुफा बनाई जाती थी और उसमें जो इंसान अपना पूरी लाइफ जो बिता देते थे। तो गाइस, क्या आपने ये कभी सोचा है कि उसके अंदर इंसानों की लाइफ कैसी रहती थी? ना इलेक्ट्रिसिटी, ना कोई सुविधाएं, बस ऐसे ही दिन काटना है, शिकार कर कर खाना है या फिर कुछ फल वगैरह से अपना गुजारा करना है। तो गाइस, हमने सोचा क्यों ना इस चीज को रियल लाइफ में टेस्ट किया जाए और वो एक्सपीरियंस करी जाए लाइफ जहां पर इंसान गुफा में रहा करते थे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम पूरी रात गुफा के अंदर रहने वाले हैं, जो कि गुफाएं पहाड़ के अंदर बनी हुई है और कोई सुविधा हमारे पास नहीं होगी। बस हम थोड़ा सा खाना लेकर जाएंगे और सर्वाइव करेंगे पूरी रात और आपको बताएंगे सच में गुफा में रहने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो गाइस, ये वीडियो सब वीडियो से हटकर और यूनिक होने वाली है, तो प्लीज इसके लिए जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा देना और चैनल पर मेरे भाई लोग नहीं आए हो ना तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस, तो हम लोगों ने गाड़ी को जो यहाँ पर छोड़ दिया है, अभी हम जा रहे हैं गुफा की ओर। और जो गुफाएं है गाइस, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है बट कई सौ या फिर हजार साल जो हो ही गए होंगे उनको बनाए हुए, क्योंकि इंसान सोच लीजिए गुफा में कब रहा करते थे। तो वही गुफाओं में आज हम रात बिताने जा रहे हैं। एंड आज कुछ सामान ज्यादा हो गया है और ऐसा मत सोचिए कि हम ये अपनी सुविधा के लिए लाए हैं। गाइस, इसमें शूटिंग के इक्विपमेंट है एंड पानी है और खाना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, आ जाओ, यहाँ पर दिक्कत वाली बात है थोड़ी सी। चलिए गाइस, वैसे ये जगह जो वो विलेज से वैसे कनेक्टेड है बट ज़्यादा लोग आते जाते नहीं है यहाँ पर, तो ये काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरी और नेचर के एकदम करीब है। मतलब आ जाइए यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि यहाँ ज़्यादा कुछ कचरा वगैरह है। वाओ गाइस, यहाँ पर आते ही एक तो भैया इस आवाज़ को सुन लो, मतलब ये आवाज़ मोर मोर बोलने की आवाज़ यहाँ पर सुनाई देगी, गांव में सुनाई देगी, शहर में ये लिटरली पॉसिबल है ही नहीं। एंड गाइस, यहाँ पर देख लीजिए एकदम देसी जुगाड़ यहाँ पर लगाया हुआ है, पत्थर रखे, नीचे लकड़ियाँ रखी हुई, एक छोटा सा पूल बनाया हुआ है और एक छोटा सा झरना टाइप यहाँ से पानी बहता जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा साफ पानी है। गाइस लुक एट दिस, वाह यार, ऐसी जगह में रहने का, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताने का भी जो मज़ा होता है ना गाइस, वो एकदम नेक्स्ट लेवल होता है। बट हर जगह का एक बेनिफिट होता है और एक अपने अपने नुकसान होते हैं। सो ये हम चल पड़े, वाह एकदम खुला आसमान, नेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एंड यही चीज़ हमें यहाँ पर खींच लाती है बार बार सच में। बाकी यार मुश्किल हो रहा है ना उठाना, आज गाइज कुछ ज़्यादा ही सामान है, लो एक बार मैं उठा लूँ। नहीं, गाइज यहाँ पर दिक्कत ये है, ये दिक्कत हम रेगुलरली फेस नहीं करते, जो गाड़ी है यहाँ पर जा नहीं सकती, नहीं तो पूरा सामान गाड़ी में आ सकता है, हम उसे लेकर सीधा रख देते। बट आज दिक्कत ये है कि गाड़ी वहाँ पर रखी है एंड हमें चलकर वहाँ पर जाना है, सामान कुछ ज़्यादा ही है, इक्विपमेंट और पानी है, ज़्यादा कुछ वजन वाली चीज़ है नहीं। गाइज एक बार इस जगह का नज़ारा देख लीजिए, कैसा नज़ारा है, आई होप हम आपको क्लियरली सब कुछ दिखा पा रहे हैं। मतलब एक बार को आते हो ना गाइस, तो कुछ टाइम के लिए तो आपको लगेगा यार जन्नत है, बट धीरे धीरे मुश्किलें फेस करनी पड़ती है, आपको भी पता है। सो गाइस, गुफा है जो वो आ चुकी है यहाँ पर आपके सामने ही है, मतलब एटलीस्ट हम पहुंच तो चुके हैं एंड देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। ध्यान से आना, गाइस देखिए यहाँ पर पता नहीं किसी ने शिकार किया होगा या फिर क्या है, बट एक स्कल पड़ा हुआ है। ओह आ जाओ, सो गाइस यहाँ पर आते ही हमें दिख गई है बहुत सारी हड्डियाँ, आप लोग देख ही सकते हो। मेरे हिसाब से गाइस यहाँ पर लेपर्ड आता होगा और अपना शिकार जो खाता होगा या फिर शिकार कर भी सकता है यहाँ पर आकर, कुछ कह नहीं सकते, तो इस चीज़ का भी जो हमें डर रहेगा, पता नहीं वो किस टाइम पर आ जाए। और गाइज यहाँ पर देखे तो ये जो गुफाएं हैं एकदम, ओ माय गॉड, वो क्या है भाई साहब, वो क्या है गाइज, मैं आपको यहाँ से फोन से शूट करके दिखाता हूँ, पता नहीं ये क्या है, देख लीजिए सांप है या फिर क्या है, उसके तो पैर भी है भाई साहब। ओ यहाँ पर हम रहेंगे कैसे, यहाँ पर हड्डियाँ पड़ी हुई है और तो अंदर और भी खतरनाक गुफाएं हैं। ये तो हम यहाँ पर आए, अभी हमें ऊपर भी जाना है,
एंड सीरियसली ये चीज मुश्किल रहने वाली है, तो कोई नहीं थोड़ा बहुत सेटअप करते हैं और गुफाएं है उसे भी एक्सप्लोर करते हैं। गाइस यहाँ पर आते ही देखिए क्या हमें देखने का, एक तो बहुत ज्यादा यहाँ पर ये ग्रास वगैरह उग चुकी है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खतरनाक चीज ये होगी कि इसके अंदर सांप वगैरह तो हो ही सकते है, बट एक बार देख लीजिए ये गुफा गाइस इतनी पुरानी है बट फिर भी इसको एक नक्शे टाइप से बनाया गया है, जैसे कि अपना